अस्सलाम वालेकुम। स्किन कैंसर एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें हमारे स्किन सेल्स ज़रूरत से ज़्यादा यानी एबनॉर्मली ग्रो करने लग जाते हैं, जिससे हमारी स्किन पर छोटे छोटे स्पॉट्स या दाने बनने लग जाते हैं। इस वक्त दुनिया की तकरीबन 1 से 2% आबादी स्किन कैंसर का शिकार है। परसेंटेज इंडिया और पाकिस्तान में 1% से भी कम है। स्किन कैंसर की 3 अहम टाइप्स हैं, जिनमें बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और मिलानोमा शामिल हैं। बेसल सेल कार्सिनोमा अब सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला स्किन कैंसर है, अलबत्ता इसे बआसानी ट्रीट किया जा सकता है, जबकि मिलानोमा सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं और इन्हें टाइमली ट्रीट करना इंतहाई ज़रूरी होता है, वरना ये डेथ भी कॉज कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि स्किन कैंसर कैसे और क्यों होता है। नॉर्मल कंडीशंस में हमारी टॉप स्किन लेयर में मौजूद सेल्स शेड होते रहते हैं, जिनकी जगह हमारी स्किन न्यू सेल्स डेवलप करती रहती है। अलबत्ता अगर किसी वजह से हमारे स्किन सेल्स के डीएनए में चेंजेस हो जाएं, तो इससे डैमेज हुए स्किन सेल्स एबनॉर्मली ग्रो करने लग जाते हैं, जिससे अफेक्टेड एरिया में छोटे छोटे स्पॉट्स या दाने बनने लग जाते हैं। इस कंडीशन को स्किन कैंसर कहते हैं। बाज़ुकात अगर स्किन कैंसर दूसरे ऑर्गन्स में भी स्प्रेड होने लग जाए, तो इसे ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है और ये डेथ भी कॉज कर सकता है। ऐसे स्किन कैंसर को मेलानोमा कहा जाता है। स्किन कैंसर हो सकती हैं, जिनमें अल्ट्रावायलेट रेज, केमिकल्स या इन्फेक्शन वगैरह शामिल हैं। अगर हम ज्यादा वक्त के लिए सनलाइट में रहें, तो इससे सनलाइट में मौजूद अल्ट्रावायलेट रेज हमारे स्किन सेल्स के डीएनए को डैमेज कर सकती हैं, जिससे स्किन कैंसर डेवलप हो सकता है। इसी तरह कुछ केमिकल्स जैसा कि आर्सेनिक वगैरह हमारी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं, अगर हम इन केमिकल्स से एक्सपोज हो जाएं, तो ये भी हमारे स्किन सेल्स के डीएनए में चेंजेस की वजह बन सकते हैं, जिससे हमें स्किन कैंसर हो सकता है। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शन जैसा कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन भी हमारे स्किन सेल्स के डीएनए में चेंजेस कॉज कर सकते हैं, स्किन कैंसर की वजह बनती हैं। ट्रीटमेंट, स्किन कैंसर को सर्जरी, रेडिएशन थेरापी, कीमोथेरापी और टारगेटेड थेरापी वगैरह के थ्रू ट्रीट किया जा सकता है। होप सो आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर नया जानने को मिला होगा। मैं आपका होस्ट साद खान आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।